हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्यन ब्लैक। तो बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, सामने से धूप बहुत तेज़ी से आ रही है। तो आज अपन लोग पता नहीं किधर जाएंगे, और कंटिन्यू ब्लॉगिंग में नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोचा कि फिर से ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। दो दिन पहले वीडियो डाला था, तो आज का वीडियो देखते हैं कैसा रहेगा। तो जैसा रहता है आज का दिनचर्या, मिलता रहेगा और देखते रहो, बने रहो, लगे रहो। जल्दी हम लोग तो चाचा वीडियो देखते हैं आप हमारा। हाँ, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो गाँव वालों का सपोर्ट बहुत बढ़िया है, और ये चाचा हैं हमेशा, मतलब कुछ भी अगर समस्या रहती है तो हमेशा हेल्प किए हैं मेरा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यही है चाचा, वीडियो हमारा देखते रहते गाइज, आप भी देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, ठीक है चाचा? बाय गाइज। अपन लोग आ गए हैं अजीत, सॉरी सर्वजीत के घर, और यहाँ पर एक ऑफिस के अंदर सीन है, इस कैमर का सीन है यहाँ पर, इधर ही अपन लोग आए हुए हैं। बाकी यहाँ से फिर निकलेंगे हम लोग दूसरा वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि कल का एक जो शूट था वो रह गया है, और उसका एक सीन रह गया है बेसिकली। और फिर जैसे ये शूट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग उस सीन के लिए निकलेंगे। अभी अंदर लाइटिंग वाइटिंग का सब सेटअप कर रहा है सर्वजीत, तार निकल गया था जो प्लग में, तो तार जैसे लग जाएगा फिर उसके बाद हम लोग वो शॉट लेंगे। शॉट लेने के बाद फिर यहाँ से अपन लोग निकलेंगे। ये है वो ऑफिस जहाँ पर हमें वो सीन लेना है, तो यही लाइटिंग अभी सेटअप करना था, क्योंकि ये लाइट अच्छे से जब जलता है तो सीन पूरा प्रॉपर से दिखता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे शक्ल पे, चेहरे पर कितना प्रॉपर से लाइट आ रहा है, और पीछे का पूरा आपको ऑफिस का पूरा ये सेटअप दिख रहा होगा बड़े अच्छे तरीके से। गाइस वहाँ का सीन ख़त्म हो गया है, अभी ऑफिस वाला सीन पूरा ख़त्म हो गया है, और अभी अपन लोग निकल चुके हैं उसी शॉट को लेने के लिए, जिस शॉट की मैं बात कर रहा था, जो अपने को लेना था उसी शॉट के लिए हम लोग निकल गए, जो कल का शॉट अभी बाकी रह गया था। पीछे अपनी सारी टीम है और हम लोग धीरे धीरे निकल गए हैं। ये है अंकित, जा रहे हैं हम लोग। अरे बोल रहे, मैं अंकित जा रहे शूट के लिए जो कल का बाकी रह गया, और चलते हैं आपको दिखाते हैं। यही है, तो ये अभी जो सीन हमें लेना है ना, ये सीन लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव से बाहर। ये अपना पीछे जो सारा दिखाई दे रहा है ना, ये अपना अंदर गाँव है, गाँव से हम लोग आउटर में जा रहे हैं खेत की तरफ, और उधर ही कुछ ना ट्यूबवेल वगैरह हैं जो कि बहुत पुराना है, उधर ही अपन शॉट लेंगे। और ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आता, लेकिन शॉट में देखने के बाद कुछ अजीब सा, कुछ अलग सा दिखता है। तो चलो फिर मिलते हैं उसी जगह पे, पहुंचने के बाद देखते हैं क्या कैसा सीन रहता है। तो अपने पास ड्राइवर प्रो प्लेयर है, प्रो ड्राइवर, प्रो मैक्स है। मैंने पैर नहीं लगा उस पर। ये देखो ऐसे केले की पत्ती में से निकलते हुए सर 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 सर, और अपन लोग धीरे धीरे पहुंच जाएंगे अपने लोकेशन पे। ये है सारा सीन, आगे का सीन दिखाते हैं सीन के लोकेशन पर पहुंचने के बाद। ये गांव की हरियाली देख लो, ये धान का छोटा छोटा पौधा है, देख रहे हो, पता नहीं प्रॉपर से दिख रहा है या नहीं। और मैं इधर कुछ आपको खास चीज दिखाने आया हूँ, गांव में इसको एक तरीके से अपन लोग सिवान बोल सकते हैं। सिवान, सिवान बोले तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई इंसान दिखता है, ना कोई जानवर दिखता है, या फिर दिखता भी है कभी कभी तो बड़ा बड़ा जानवर दिखता है। तो गाइस गांव में दिखाने के लिए क्या मिलेगा, यहीं से मिलेगा जंगल, पेड़ पौधा। ये देखो पीछे आम का पेड़ बड़ा सा, इसके पीछे जैसा देख पा रहे हो ये पीपल का पेड़, उसके पीछे देख पा रहे हो ये बड़ा सा पीपल का पेड़। इधर ही हमने एक वीडियो शूट किया था, ध्यान से देख लो आप एक बार। और अगर आप हमारे रेगुलर के व्यूअर हो यूट्यूब चैनल के, तो शायद आपको याद आ जाएगा ये जगह देखने के बाद कि इस जगह पे हमने कौन सा वीडियो शूट किया था। फाइट सीक्वेंस एक वीडियो हमने शूट किया था, और वो वीडियो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अपना जो देहाती इंजीनियर करके यूट्यूब चैनल है ना, उस पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, अगर देखे हो तो ठीक है, याद है तो कमेंट करो, नहीं याद है तो जाओ एक बार जाकर देखो। देखो शूट हो रहा है क्या बे, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है? ये आईफोन अभी गिर जाता फूल जाता तो इसका पैसा कौन देता? सॉरी भाई, माफ। तो शूट खत्म हो गया आज का, शाम हो गया, जैसा कि अब देख पा रहे हो ऊपर देखो घनेरे घनेरे से बादल लगे हुए हैं, और बारिश होने की संभावना, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि बारिश होगा, क्योंकि ये छोटा सा बादल लगा हुआ, डेली ऐसे ही आता है हवा के साथ फिर बह के चला जाता है। यही आज का सीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।